तोता उड़, मैना उड़, गधा उड़, तो मेरी बारी। मैना उड़, चिड़िया उड़, गधा उड़, हाथी उड़, मुर्गा उड़। बच्चों, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। रंग। अब इनसे तुम सुंदर सुंदर रंगोली बनाना। लो। जब हम बच्चे थे तभी अच्छे थे, कम से कम साईं हमारे लिए कुछ लेके आते तो थे। हाँ केशव, तुम कितने ही बड़े क्यों ना हो जाओ, मेरे लिए हमेशा बच्चे ही रहोगे। मैं तुम्हारे लिए भी कुछ लाया हूं। ये लो। धन्यवाद साईं। साईं, आपको रंगोली बहुत पसंद है ना? क्योंकि पहले भी आप परी को रंगोली बनाने के लिए प्रोत्साहित करते थे। रंगोली एक विचार है तात्या, अनेकता में एकता का विचार। विविध रंगों से ही रंगोली में सुंदरता आती है। वैसे ही इस संसार में अलग अलग धर्म और जाति के लोग एक होकर इस दुनिया को सुंदर बनाते हैं। बस उनमें मेल होना जरूरी है। अभी देखिएगा सेठ जी, चाहे मुझे न्याय दिलाएंगे। चलो चलो, न्याय मुझको मिलने वाला है। जी, न्याय मुझे मिलेगा। अरे मैंने कहा मुझको मिलेगा न्याय। शांत हो जाइए। क्या बात है साईं? हम लोग साकोरी गांव से आए। मैं साहूकार लक्ष्मीचंद और ये बलिराम है। साईं, मैं गरीब झूला हूं, मैं कंबल बनाकर बेचता हूं, मेरा गुजारा इसी से होता है। कुछ दिन पहले सेठ जी ने मुझसे 5 कंबल लिए और कहा 4 दिन बाद आकर पैसे ले लेना। लेकिन जब मैं इनसे पैसे लेने गया तो इन्होंने पैसे देने से इनकार कर दिया। क्यों लक्ष्मीचंद जी? साईं, पैसे तो उन चीजों के होते हैं जिन चीजों का हम इस्तेमाल करें। मैं इससे कंबल खरीद कर अपने घर जा रहा था और रास्ते में एक जंगल पड़ता है। उस जंगल में आग लगी हुई थी और 5 में से 4 कंबल जलकर पूरी तरह से स्वाहा हो गए। यही एक बचा है साईं। और इसके पैसे मैं देने को इसको तैयार हूं। बाकी जो कंबल हमने इस्तेमाल ही नहीं किए उसके किस बात के पैसे? ये क्या बात हुई? जब आप कंबल लेके गए थे तो वो जले या खोए इसकी जिम्मेदारी आपकी है, तो इसमें भला बलराम क्यों उसका नुकसान भरे? हाँ नहीं केशव, लक्ष्मीचंद जी सही है।
कंबल इस्तेमाल करने से पहले ही जल गए। उनके पैसे क्यों दे बलिराम को? नहीं साईं, ऐसा आप तो मत बोलिए, मेरी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी साईं। इन पैसों से मेरा घर चलता है, बच्चे मेरे खाना खाते हैं साईं। ये लक्ष्मीचंद जी झूठ बोल रहे, ऐसा कैसे हो सकता है साईं? पांचवे से चार कंबल जल गए और बस एक ही बचा, और सेठ जी का एक भी सामान नहीं चला। चार बैलगाड़ियां थी चार, और मेरे नौकर ने जिस बैलगाड़ी में ये सारे कंबल रखे थे उसमें मिट्टी का तेल भी था। हो सकता है साईं कि वो मिट्टी का तेल उस कंबल पर गिर गया हो और सिर्फ कंबल ही जले हो, और मैं इतना भी पत्थर दिल नहीं हूं कि बचे हुए कंबल के पैसे ना दूं। मैं इसके पैसे दे तो रहा हूं तुमको, और बाकी के पैसे नहीं देने हैं ये तो साईं भी कह रहे हैं। आप सही हैं लक्ष्मीचंद जी, जब वो कंबल इतनी आसानी से जल गए तो जरूर वो अच्छे नहीं थे। जरा ये कंबल दिखाइए तो। हाँ सर। हम इस कंबल को भी जला देते हैं ताकि सेठ जी को एक पैसा भी ना देना पड़े। साईं, आप तो न्याय करते हैं साईं, फिर ये क्यों? बलिराम, तुम्हारे बनाए कंबल अगर अच्छे नहीं हैं, तो तुम्हें अपनी भूल स्वीकार करनी चाहिए। अभी जांच हो जाएगी। तात्या, केशव, धुनी से एक जलती हुई लकड़ी और बर्तन में मिट्टी का तेल रखा है, वो ले आओ। साईं। जी साईं। साई, करने क्या वाले हैं? न्याय और क्या।
कुछ है हाथ में तेरे, एक यही पल है, अच्छे कर्म किए जाए तो जीवन सफल है। लक्ष्मीचंद जी, बलिराम के कंबल का तो मिट्टी का तेल भी कुछ नहीं कर पाया। इसका मतलब समझ रहे हैं ना आप? साच को आंच नहीं होती लक्ष्मीचंद जी। जब हम अपना काम सच्चाई और पूरी लगन से करते हैं तो उसे कोई नहीं बिगाड़ पाता। आग भी नहीं, क्योंकि सच्चाई की कद्र तो पंचमहाभूत भी करते हैं। इसलिए अब आप सच्चाई बता दीजिए। साईं, मैंने झूठ बोला था। साईं, कोई कंबल नहीं जला। साईं, मैंने लालच और अहंकार में आकर सोचा कि बलिराम को पैसे ना दूं तो मेरा क्या बिगड़ पाएगा ये, लेकिन मैं भूल गया था साईं कि आपके दरबार में किसी के साथ भी ना इंसाफी नहीं हो सकती। मुझे माफ कर दो साईं। बलिराम, ये तुम्हारी मेहनत के पैसे। मुझे माफ करना बलिराम, उससे बहुत बड़ी गलती हुई। नहीं सेठ जी, आपने सच बोला और मेरा मेहनताना दे दिया, यही बहुत है। लक्ष्मीचंद जी, ये लीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साईं। राम जी भला करे। पार लगाया तेरी महिमा मेरे साईं, कौन जान पाया। ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम। साईं बताइए ना, हम ऐसा क्या बनाए जो कुछ खास हो। हाँ साईं, जल्दी बताइए ना, ऐसा क्या बनाए हम जो आपके लिए हमारे प्रेम का प्रतीक हो। कमल का फूल बनाओ, मैं थोड़ी देर में आया। आज इतने उदास क्यों हो? ना बेटा, रोते नहीं है, चुप हो जाओ, बताओ क्या हुआ, तभी तो तुम्हारी मदद कर पाऊंगा मैं। मेरा दादा अब पहले जैसा नहीं रहा। क्या मतलब? कल पूरे दिन ना मेरे साथ खेला और ना बात की, और जब रात हुई तो। क्या हुआ रात को? हम दोनों भाई रोज एक साथ सोते हैं, लेकिन कल रात। लट्टू,
हरी चलो अब सो जाओ। दत्तू तू यहाँ क्यों लेटा है? चल अंदर। नहीं मैं यहीं ठीक हूं। क्या बात है दत्तू, आज मेरे पास नहीं सोएगा तू? आओ ना दादा, तुम्हारे बिना मन नहीं लगेगा। पास होने के लिए तू हर रात मुझसे लड़ाई करता था ना, अब से कोई लड़ाई नहीं होगी। दत्तू ये क्या बात हुई, चलो अंदर। नहीं मैं यहीं ठीक। दत्तू छोड़ दीजिए उसे, जब इसकी इच्छा होगी तो खुद ही आ जाएगा। वैसे भी मेरे दूर सोने से आप लोगों को क्यों फर्क पड़ने लगा? ऐसा क्यों कह रहा है, नाराज है हमसे? मुझे नींद आ रही। साईं, मेरा भाई मुझसे दूर क्यों जा रहा है? आओ मेरे साथ। इसका मतलब ये हुआ कि दत्तू अपने घर वालों से नाराज है। मिल गई खबर मुझे, जल्दी से जाकर सरकार को बताना चाहिए। बच्चों रंगोली बन गई? हाँ साईं, ये देखिए। रंगोली कैसी बनी है? बहुत सुंदर। पर साई ये प्रेम का प्रतीक कैसे है? जो एक दूसरे को जोड़ के रखे उस डोर को प्रेम कहते हैं। दूर रहकर भी हमें पास रखता है प्रेम, कमल के इस डंठल की तरह जो फूल को पानी के नीचे की जड़ों से जोड़े रखता है। इसी तरह हमें भले ही लगे कि हमारे प्रियजन हमसे दूर जा रहे हैं, लेकिन वे हमेशा हमसे जुड़े रहते हैं। और जब वो जिंदा हैं, तब उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता, चाहे वो तुम्हारे आई बाबा हो, दोस्त हो या फिर भाई। साईं, आपका मतलब दादा और मेरा बंधन अटूट है ना? हरिओम हरिओम। इसका अर्थ ये है कि मूले शास्त्री द्वारा बताया गया भविष्य सच होने की राह पर निकल पड़ा है। अब वो फकीर मूले शास्त्री जी के इस कही को झुटला कर दिखाएं, मुझे तो लगता है ये असंभव है। और मैं भी चाहता हूं कि वो फकीर असफल रहे,
उसके बाद मैं शिरडी से उसका दाना पानी बंद करवाऊंगा। परंतु सरकार, यदि दत्तू के घर वालों ने दत्तू को मना लिया या दत्तू ने स्वयं अपने घर वालों के साथ मेल मिलाप शुरू कर दिया तो फिर क्या होगा? ओर्ख, किस बात के पैसे देता हूं मैं तुम्हें? जी। अब तक तुझे सुनिश्चित करना होगा कि वो दत्तू किसी तरह हमारा यह खेल बिगाड़ न पाए, समझा? जी सरकार। हरिओम। जी। कैसे करूं? अजीब मुसीबत। आप ही कहती थी ना कि जिम्मेदार बनूं, तो बनने की कोशिश कर रहा हूं। हरी से दूर रहना, अकेले सोना, अपने कपड़े धोना, क्या ये जिम्मेदारी है? क्या मैं ये सब चाहती थी तुझसे? नहीं दत्तू, मैं तेरी आई हूं और मुझे अच्छे से पता है तू जरूर किसी बात पर गुस्सा है। बोल, क्या बात है? ऐसी कोई बात नहीं है बेटा। आई बाबा से बच्चों का कुछ छुपाना अच्छी बात नहीं होती। और अगर आई बाबा ही बच्चों से कुछ छुपाए तो? वो भी गलत है। लेकिन दोनों में एक फर्क है, बच्चों को सच्चाई कब बतानी है यह निर्णय मां बाप का होता है, क्योंकि बच्चों का भला बुरा वो बेहतर समझते हैं। आप तो बड़े हैं ना, तो बड़ों का ही पक्ष लेंगे। दत्तू, साई से आदर से बात करो। मुझे किसी से बात ही नहीं करनी है। दत्तू, अब तुम इस लकड़ी से पानी को मारो। इसका क्या मतलब है साईं?